टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पुनः अपनी इस महती श्रृंखला को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आपको विगत की जो श्रृंखलाएं हर विषय की जा रही हैं, वो मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई होंगी और भविष्यगत होती भी रहेंगी। आपके प्यार और आपके दुलार, आपके स्नेह से हम लोग अभिभूत होते हैं और रहते भी आगे भी रहेंगे। इसके पहले अगर मैं अपने विषय वस्तु की बात करूं तो मैं आपको संज्ञा से मैं इस विषय वस्तु का प्रारंभ किया और संज्ञा पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मैंने इसके पहले संज्ञा के बारे में आपको विधिवत यानी एक बृहद रूप में मैंने चर्चा किया, कुछ पार्ट उसके बच गए थे। तो थोड़ा सा अगर मैं ये कहूं कि इसको रिकैप कर लिया जाए तो ये एक अच्छा होगा, क्योंकि आपको इसकी याद आ जाएगी कि हम कहां पर पिछली कक्षा में थे और अभी इस समय कहां से हमको पढ़ना है, और दूसरी चीज पूरी मेमोराइज भी हो जाएगी। तो इसके पहले हमने संज्ञा प्रकरण को प्रारंभ किया और संज्ञा प्रकरण में अगर आपको याद हो तो मैं इस संज्ञा को ये बताया था कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम होता है। मैं एकदम सरसरी निगाह से इस पर बात करूंगा। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। अब इसी नाम को इसी संज्ञा को हम भिन्न भिन्न आधारों पर विभाजित किए थे। तो हमने आधार क्या बताया था कि आपको हिंदी के आधार पर, जिसको मैंने कहा था कि भाई इसको रचना के आधार पर नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमने कहा था इसी को हम उत्पत्ति के व्युत्पत्ति के आधार पर भी नाम से जानते हैं, यानी जो हिंदी के आधार पर है। इसके अतिरिक्त हमने जो आधार विभाजन किया था वो अंग्रेजी के आधार पर विभाजन किया था, यानी हमने तीन आधार की यहां पर चर्चा की थी। एक हिंदी के आधार पर, यही तो मैंने कहा था ना, हिंदी के आधार पर अगर आपको याद हो तो हिंदी के आधार पर। दूसरा हमने जो चर्चा किया था वह अंग्रेजी के आधार पर, यही हमने बात किया था अंग्रेजी के आधार पर। और तीसरा हमने जो बताया वो गणना के आधार पर चर्चा किया था, गणना के आधार पर चर्चा किया था। तो अब यहां पर हिंदी के आधार पर हमने तीन बताया था, इसी को हम रचना कहते या उत्पत्ति कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते। अंग्रेजी के आधार पर हमने पांच विभाजन किया था, इसी को हम अर्थ के आधार पर संज्ञा भी कहे थे। गणना के आधार पर हमने इसको दो भागों में विभाजित किया था, गणनीय और अगणनीय के रूप में हमने बात किया था। ये तो हमारी बात हुई थी। अब यहां पर बात मैंने कहा था कि सामान्य अगर पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की होगी तो आप बताएंगे पांच प्रकार की संज्ञा होगी। अब वो पांच प्रकार है कौन कौन सा, यही मैंने बताया था। और इसको अभी मैं अन्य भी मैं जैसे इसके पहले मैंने भाववाचक संज्ञा पढ़ाया तो मैंने ये कहा कि भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वह आपको बहुत ही दिक्कत होती है समझने में, या कैसे भाववाचक संज्ञा होती है, कैसे हम निकाल लें, ये नहीं समझ में आता है। तो मैंने इसको आसान शब्दों में समझाने का आपको प्रयास किया और यह आश्वस्त भी मैं हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के द्वारा आप लिखिएगा समझ में आया होगा तो भी, नहीं समझ में आया होगा तो भी, ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है, लेकिन ये आप काम करिएगा तो अच्छा लगेगा। ये चीजें उभर कर आती हैं कि मैंने जो पढ़ाया वह कारगर है कि नहीं, या समझ में आया कि नहीं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं और कोई बात नहीं है। अब इस पे तो अब इसके जब हम प्रकारों पर आपसे बात किया तो मैंने कहा कि ये जो पांच प्रकार होते हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पर मैं वाचक केवल लिख देता हूं, वाचक संज्ञा, चलिए लिख देता हूं, इसको तेजी से आप रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा मैंने कहा था जातिवाचक संज्ञा, ठीक है।
तीसरा मैंने कहा व्यक्ति जाति भाववाचक संज्ञा कहा था, यही तो मैंने बताया था। चौथा मैंने बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा, ये अगर आपको याद हो तो ये मैंने बताया था। पांचवा हमने समूहवाचक संज्ञा की बात किया था। मैं अभी इसकी टेक्निकलिटी में आपको नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं सरसरी निगाह पर बात कर रहा हूं। अब यहां पर जब बात आई कि यहां पर जब आया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने आपको डिटेल से पढ़ाया, भिन्न भिन्न रूपों में पढ़ाया। जातिवाचक संज्ञा को भी हमने पढ़ाया और भिन्न भिन्न रूपों में पढ़ाया, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा बताया, ये भी मैंने आपको क्या किया बताया, ठीक। अब ये बताया यानी व्यक्ति जाति भाव बताया, द्रव्य और समूह बच गया था, ये दो संज्ञाएं बच गई थी। तो आज इन दो संज्ञाओं को हम डिटेल से समझेंगे, यानी अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं और समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। कभी कभी ऐसा मैंने आपको जब बताया था कि इसके पार्ट भी बताया था, यानी रचना के आधार पर जब मैंने आपको बताया था, फिलहाल अभी उसकी हम चर्चा करेंगे। आपको पहले मैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक बता लूं, तब जाकर के मैं उसकी चर्चा करूंगा कि प्रश्न के नेचर कैसे होते हैं, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो फिर आपको उत्तर कैसे देना है, ठीक है। यानी ये चीजें आपको बताना होगा। तो चलिए उठाते हैं किससे, द्रव्यवाचक संज्ञा से। अगली हमारी जो तीसरी संज्ञा है, तीसरी वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा यहां पर आप जानिए, पहली चीज आप ये क्लियर हो लीजिए कि द्रव्य किसे कहते हैं और द्रव किसे कहते हैं। द्रव और द्रव्य में क्या होता है, अंतर होता है, ये आप जान लीजिए। जो वस्तुएं केवल लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, यानी द्रव के रूप में रहती हैं, गीली रहती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, यानी उसके अंदर आद्र गीलापन रहेगा, वो क्या होते हैं, द्रव होते हैं, ठीक। तो यहां पर जो है, और दूसरी चीज द्रव्य क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिसमें ऑलरेडी ये शामिल हैं, यानी द्रव वाली वस्तु शामिल है, लेकिन द्रव प्लस यानी ये तो रहेगा, ठोस भी शामिल हो जाएगा प्लस गैस भी शामिल हो जाएगा। अगर द्रव ठोस द्रव गैस यानी द्रव ठोस गैस अगर तीनों शामिल हैं तो उसे हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर कोई पूछे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है तो आपका उत्तर होगा हाँ या ना। हाँ या ना आप बताइए, तो आप कहेंगे ना, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा नाम की कोई संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक होती है, ठीक। एक चीज क्लियर हुई। अब दूसरी चीज, अगर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो पुनः हमको परिभाषा पर आना चाहिए। क्या है? परिभाषा पर आना चाहिए। अब बेटा अगर हम परिभाषा पर आते हैं तो मैंने कहा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि परिभाषाओं का निर्माण करना सीखिए। अगर परिभाषाओं को बनाना आपने सीख लिया तो निश्चित तौर पर जानिए आपके प्रश्न गलत नहीं हो सकते हैं, यह वादा है। लेकिन आपने नहीं सीखा है, परिभाषाओं को निर्मित करना नहीं सीखा है, तो प्यारे थोड़ी समस्या है। तो इसलिए निर्माण करना, और निर्माण कैसे करना है, जब आपको प्रबोधन होगा, जब आपको ज्ञान होगा, जब आप उसके बारे में जानेंगे तो क्या होगा, आपको निर्मित करना आएगा, यानी आप निर्माण करना जानेंगे। तो ये जानिए, आज मैं यहां आपको इसके पहले भी बताया और आज भी मैं बता रहा हूं, परिभाषाएं निर्माण करिए। क्या होता है? अब इसमें द्रव्यवाचक में क्या होता है, ठोस द्रव गैस मैंने ऑलरेडी पहले बताया, तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं,
ऐसा लिखा जा सकता है कि जिन संज्ञा शब्दों से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ये ध्यान में रखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ सकल पदार्थ, गोस्वामी जी ने क्या क्या कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाही, यानी संपूर्ण पदार्थ की बात हो रही है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, बोध होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा नंबर एक। परिभाषा नंबर दो ये भी कह सकते हैं, परिभाषा ये हो गया एक नंबर। अब परिभाषा नंबर दो की बात आती है, तो परिभाषा नंबर आप बताइए दो क्या लिख सकते हैं। अब जिसो यानी हम जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, तो द्रव्य को हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं, तो आप बताइए कि गिना जा सकता है तो नहीं। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि जिन शब्दों से या जिन शब्दों को हम गिन नहीं सकते, यानी जिन संज्ञा शब्दों को गिना नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, निर्मित कर लीजिए। और क्या लिख सकते हैं, ऐसे शब्द ऐसा। तीसरी परिभाषा नंबर तीन, आपको परिभाषा केवल आप जानिए, ऐसे शब्द जिनसे माप तौल का बोध होता है माप तौल का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, आपको परिभाषा नंबर तीन, संपूर्ण परिभाषा। एक तो ये हो गया, मैंने इसको आपको बताया। अगर आपकी इच्छा ये है कि मैं इतनी परिभाषाएं ना समझूं, इतनी परिभाषाएं ना लिखूं, सबको मिला दीजिए और मिला करके एक परिभाषा निर्माण कर लीजिए, कौन सा ऐसा दिक्कत है। अलग अलग भी जानिए, एक एकीकृत रूप में भी जानिए, ऐसा कौन सा दिक्कत है। तो आप एक मिला दीजिए तो क्या कहेंगे कि ऐसे यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, द्रव्यवाचक संज्ञाएं मापतौल की वस्तु होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। या जो संज्ञाएं मापतौल के अंतर्गत आती हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखते हैं, साधारण सी बात है। मैंने कहा परिभाषाओं को निर्मित करना ये आपका काम है, अगर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर लेंगे तभी भी एक दो चार बार पढ़ लीजिए, अपने आप आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं इसमें आएंगी कि जो माप तौल की वस्तु आएंगी, अब ये माप तौल मतलब नापना, माप मतलब नाप, हम नाप सकते हैं, हम उसको तौल सकते हैं, ये सब आएगा। तो अब माप तौल की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सभी क्या हैं, आपको क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए उठाइए,
उदाहरण उठाइए, उदाहरण आप ये बताइए, आप पानी जानते हैं, पानी, पानी को क्या कहा जाता है, मापा जाता है लीटर में, यही तो कहते हैं, तो लीटर में हम मानते हैं पानी जल ही जीवन है, है ना। तो जल यानी पानी को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे कि नहीं। आप एक ही उठाते हुए चले जाइए, समझते हुए चले जाइए, आप ऐसे मत याद करिए, एक सांस में याद करिए, जब समझ लेंगे तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। चलिए पानी हो गया। अच्छा पानी से अगर मान लीजिए हम क्या बनावें, रस बनावें, हो सकता है कि नहीं। पानी में चीनी डालकर बना सकते हैं कि नहीं, रस भी हम बना सकते हैं, लिक्विड फॉर्म है, ये हो सकता है कि नहीं। चलिए रस हो गया। अच्छा इस मान लीजिए, या हमने गन्ना पेरा, मान लीजिए हमने गन्ना पेरा, गन्ने से भी रस निकला, अब इस रस से हम क्या बना देंगे, क्या बना दे बताइए, गुड़ बना देंगे कि नहीं, गुड़ जानते हैं ना, भेली जानते हैं ना, गुड़ बना देंगे कि नहीं, तो गुड़ भी क्या हो गया, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जो ठोस भी हो, द्रव भी हो, गैस भी हो, वो सब क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, होती हैं कि नहीं। अच्छा चलिए ये गुड़ हो गया, मान लीजिए हम जो है हम दूध लेते हैं, क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, ठीक। अब दूध है तो दूध क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध से हम क्या बना सकते हैं बताइए, दूध से हम क्या बना सकते हैं, तो दूध से हम क्या, दही बना, दूध से हम पनीर पहले बना लो, दूध चाहे दही लिख दो, दूध दही बना लीजिए, दूध से दही बनाया जा सकता है, ऐसा हो सकते हैं। चलिए दही से हम क्या बना सकते हैं, दही से हम मट्ठा बना सकते हैं, मट्ठा बना सकते हैं, दही से हम क्या बनाते हैं, मक्खन बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, मक्खन से हम क्या बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, छाछ या मट्ठा, बातें कही कह दीजिए, बना सकते हैं कि नहीं। फिर इस मक्खन से हम क्या बना देंगे, मक्खन से क्या बना देंगे, घी बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना, घी भी हो जाएगा, घृत हो जाएगा, तो ये क्या हो गया। और फिर दूध से हम क्या बना देंगे बताइए, दूध से हम पनीर बना सकते हैं कि नहीं, तो पनीर क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया कि नहीं, पनीर क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो। चलिए दूध से क्या बना, पनीर बना गया, और क्या बन सकता है भैया, दूध से और क्या बन सकता है, और कुछ बनेगा, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, मक्खन हो गया, छाछ हो गया, और क्या बनाइए, दूध से खोया बना दीजिए, क्या बना दीजिए, खोआ जिसको कहते हैं, जिसको खोया कहते हैं, खो गया, ठीक है, खोआ, ठीक है, यह भी बना सकते, कह सकते हैं कि नहीं, इसको खोया भी बोला जाता है, तो आप बना सकते हैं कि नहीं। आप अब जो है रिलेटेड टू, अगर नहीं रिलेटेड है, स्वतंत्र रूप में भी हो सकता है, हो सकता है कि आप जो है कोई अन्न ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने आटा ले लिया, आपने क्या ले लिया, इसके अतिरिक्त आपने क्या ले लिया, आटा ले लिया, हो सकता है कि नहीं, आटा हो सकता है कि नहीं। आप बताइए गेहूं हो सकता है कि नहीं, गेहूं क्या हो गया, माप तौल की वस्तु है कि नहीं, गेहूं हो जाएगा कि नहीं। और बताइए चीनी हो जाएगा कि नहीं, चलिए चीनी भी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। गैस, गैस हो जाएगा कि नहीं, गैस हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा प्यारे, एकदम हो जाएगा। आप कहिए अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं सरसों ले लेते हैं, मान लीजिए सरसों, तेल कहां, तेल आया है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सरसों, सरसों से क्या निकल जाएगा, सरसों से क्या निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा, तेल भी हो जाएगा। आप जो आपको लगता है माप तौल की वस्तु है वो ले लीजिए। अच्छा ये बताइए मैं कहूं सोना, सोना कहूं, सोना होगा कि नहीं, चांदी होगा कि नहीं, आप बताइए चांदी, ठीक है, तांबा होगा कि नहीं, तांबा, ये बताइए टिन होगा कि नहीं, कांसा होगा कि नहीं, रांगा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये भी हो जाएंगे। तो जितनी भी आपको ठोस द्रव गैस में आते हैं वो सभी क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं। आप ये जान लीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग
यह किसमें होता है? सदैव एक वचन में होता है। ये ध्यान में आप रखिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, यानी हम नोट करके, आप नोट करिएगा कि नोट करके द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, किसका? द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सदैव या एक वचन, प्रयोग एक वचन में होता है। क्या होता है? एक वचन में होता है, होता है किसमें? एक वचन में होता है। ध्यान में रखिएगा। अब कभी ये नहीं कह सकते हैं, जिसको, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर जो है, अरे सर बोल दीजिए, वैसे लिखाइए, लिखिए मत, आप समय किल होता है, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं अगली बार से नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं केवल आपको समझा दूंगा। अगर आपको लगता है तो, अगर मान लीजिए आपको लगता है, जैसे मैं लिख दे रहा हूं तो ये लगे कि आपको टाइम किल हो रहा है, तो आप लिख दीजिएगा, तो हम केवल आपको समझा भी देंगे, केवल बोल भी देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब कभी ये नहीं आप कह सकते हैं कि प्यारे मट्ठाओं नहीं कह सकते हैं, दहियों नहीं कह सकते हैं, दूधों नहीं कह सकते हैं, पानियों नहीं कह सकते हैं, रसों नहीं कह सकते हैं, गुड़ों नहीं कह सकते हैं, घीयों नहीं कह सकते हैं, मक्खनों नहीं कह सकते हैं, चीनियों नहीं कह सकते हैं, सरसों नहीं कह सकते हैं, तेलों नहीं कह सकते हैं, चादों नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यह एक वचन में ही प्रयोग होंगे, यानी इनके जो होते हैं वह एक वचन में क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं, ठीक है। यानी इसके द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वह एक वचन में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा क्या? द्रव्यवाचक संज्ञाएं, क्लियर। अब द्रव्यवाचक संज्ञाओं में कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के कोई टेंशन होगा आपको। अभी आगे में हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी बताएंगे। चलिए, हम किस पर थे? इसके पहले हम किस पर थे भैया? यहां पर आ जाइए, यहां पर, ठीक है, यहां पर। द्रव्यवाचक संज्ञा भी हमारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं पांचवें और आज के लास्ट पर, किसमें? समूहवाचक संज्ञा। आ जाइए, अगला क्या है? समूहवाचक संज्ञा, ठीक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है प्यारे, समूहवाचक संज्ञा। आप ये देखिए, समूहवाचक, इसमें क्या होता क्या है, आप ये बताइए, समूहवाचक संज्ञा में आप क्या जानते हैं? समूहवाचक, तो समूह, आपको नाम लेने से लग रहा है ना कि ये समूह की बात हो रही है, ये भी एक वचन में ही प्रयोग होता है, समूहवाचक संज्ञा भी। अभी मैं बता दूंगा, यह जो है समूहवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है कि आप, जैसे पहले इसके हम परिभाषाओं पर आते हैं, तब मैं अन्य बातें करूंगा। हम ये लिख सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह के बारे में जानकारी होती है, ऐसा पहले परिभाषा लिखिए, पहले आप परिभाषा लिखिए, तब आप समझिए और स्वयं से निर्मित करिएगा। ऐसा लिखा जा सकता है कि जिन शब्दों के द्वारा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, संज्ञा शब्दों के द्वारा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, मान लीजिए ऐसा लिख दीजिए, किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, समुदाय के बारे में, के बारे में जानकारी होती है, जानकारी होती है, होती है, तो उसे क्या कहते हैं भैया? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, परिभाषा हो गई। यानी हमने क्या कहा कि अगर कोई शब्द है, अब शब्द क्या रहेगा? शब्द रहेगा एक, लेकिन अर्थ क्या देगा? अनेक।
यानी समूहवाचक संज्ञा में वही शब्द आएगा कि जो एक वचन में रहेगा लेकिन वह जो अर्थ देता है वो बहुवचन का देता है, किसका? बहुवचनांत देता है। यानी हम एक वचन में प्रयोग तो करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा, यहीं पर नोट करके आप लिख लीजिएगा कि समूहवाचक संज्ञा में क्या लिखेंगे, समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा के शब्द, संज्ञा के शब्द एक वचन में होते हैं, एक वचन के होते हैं, होते समूहवाचक संज्ञा के शब्द एक वचन के होते हैं, लेकिन लेकिन अर्थ बहुवचन के देते हैं, क्या देते हैं? अर्थ बहुवचन के प्रदर्शित करते हैं, बहुवचन के, लेकिन अर्थ बहुवचन के प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? बहुवचन के अर्थ प्रदर्शित करते हैं प्यारे। यानी इसमें क्या होता है, जो शब्द आता है वह बहुवचन को द्योतक होता है, लेकिन हमेशा एक वचन में ही यहां पर भी प्रयोगीकरण होगा, अर्थ क्या होगा? बहुवचन। जैसे अब मान लीजिए कि मैं आपसे ये लिखता हूं, ठीक है, मैंने आपसे ये लिखा, उदाहरण में देखिए कि मैंने लिखा सेना लिखा, चलिए मैंने पहले आसान से मैं करूं, नहीं तो आप पहले ही, मान लीजिए कि मैंने लिखा झुंड लिखा, क्या लिखा? झुंड लिखा। अब ये बताइए, झुंड आप जब कहते हैं तो झुंड क्या है? एक वचन है, झुंड क्या है? एक वचन है, लेकिन अर्थ क्या दे रहा है? अर्थ हमको बताइए कि क्या दे रहा है? अर्थ बहुवचन का, यानी अनेक लोगों का दे रहा है, एक का तो दे नहीं रहा है भाई। अगर मान लीजिए कि मैंने झुंड लिख दिया, ठीक है, चलिए मैंने क्या लिख दिया, झुंड के अलावा मैंने कक्षा लिख दिया, ठीक है, कक्षा लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, मैंने झुंड लिख दिया, कक्षा लिख दिया, टोली लिख दिया, चलिए टोली लिख दिया, मैंने भीड़ लिख दिया, ठीक है, भीड़ लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? अब ये देखिए, आप इसको समझिए कि ये बताइए हमको, क्या मैं कक्षा अगर लिख रहा हूं तो कक्षा से समूह का बोध हो रहा है कि नहीं? आप कहेंगे सर कैसे, मैं ये बताइए कि कक्षा जो बनती है वह एक विद्यार्थी की बनती है, अगर एक विद्यार्थी की क्या कक्षा बनेगी? नहीं बनेगी। एक विद्यार्थी अगर आते हैं उसको आप पढ़ाते हैं तो कक्षा नहीं होती है कि शिक्षक आएंगे, कक्षा संचालित होगा या कक्षा प्रारंभ होगा, भाई एक विद्यार्थी की कक्षा नहीं होती, कक्षाएं एक से अधिक विद्यार्थी की होती हैं, यानी अनेक विद्यार्थियों की होती हैं। टोली क्या होती है? एक लोगों की टोली नहीं होती है। झुंड कभी एक लोगों, जैसे चिड़ियों का क्या होता है? झुंड चलता है, चिड़ियों का झुंड चलता है, तो ये नहीं है कि चिड़िया उड़ रही है, फुर्र 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 उड़ रही है, तब ये झुंड उड़ रहा है, चिड़ियों का झुंड उड़ रहा है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। अरे भाई ये चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही, तो साधारण सी बात आप करेंगे। तो यहां पर क्या है, झुंड नहीं, झुंड क्या हो जाएगा अगर लिखा है तो निश्चित तौर पर यह कह रहा है कि एक से अधिक का द्योतक है, तभी ऐसा यह शब्द लिखा जा रहा है। अगर मान लीजिए मैंने क्या लिखा, मंडली लिखा, हमने क्या लिखा, मंडली लिखा, ठीक है, हमने क्या लिखा, गिरोह लिखा, क्या लिखा, गिरोह लिखा, गिरोह तो जानते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं, आपने क्या बताया, अच्छा इस समय बड़ा नेताओं का क्या चलता है, काफिला, गाड़ियों का काफिला चलता है ना, ऊंटों का भी काफिला चलता है, यानी ये गाड़ी कहते काफिला जा रहा है, यानी एक गाड़ी थोड़ी ना भी एक गाड़ी लेकर जा रहे हैं, ऊपर इनका काफिला जा रहा है, ऐसा थोड़ी होने वाला है, नेताओं का काफिला चलता है, ऊंटों का जत्था चलता है, ठीक है, काफिला भी चलता है, जत्था भी होता है, यानी कई ऊंट लगातार, किसी फिल्म में देखते होंगे तमाम ऊंट जा रहे हैं लेकर के, तो क्या हो जाएगा आपको, ऊंटों का भी जत्था चलता है, यानी जत्था शब्द जो है किसी का कर रहा है, ये जो शब्द है ना ये समूह का द्योतक है, किसका है, समूह का द्योतक है। अब आप मान लीजिए कि हमने जुलूस निकाला, अभी जीते हैं लोग, तो मान लीजिए कोई कभी भी जीते तो क्या ये जुलूस निकालते हैं,
जुलूस निकालते हैं, तो जुलूस जब निकालेंगे प्यारे, तो थोड़ी ना कि जुलूस निकालेंगे तो एक लोगों का जुलूस हो जाएगा, तो जुलूस आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। अच्छा ये हमको बताइए कि अगर हम परिवार लिख दें तो, परिवार लिख दें तो परिवार क्या होगा आप बताइए, परिवार क्या हो जाएगा, समूहवाचक होगा कि नहीं, परिवार क्या कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे। थोड़ी ना कि अकेले हम परिवार हो जाते हैं, कम से कम आप हुए, आपकी श्रीमती जी हुई और आपके जो है बालक वृंद हो गए, यही हो गए, तभी आप परिवार होंगे। थोड़ी ना कि हम अकेले हैं तो परिवार हैं, ऐसा थोड़ी ना है, तो परिवार हो गया, परिवार हो जाएगा कि नहीं, समूहवाचक हो जाएगा नहीं, जी हाँ परिवार एकदम क्या हो, समूहवाचक है। अच्छा ये हमको बताइए कि अगर सभा लिखी गई है तो, सभा क्या, सभा लिखी गई है तो ये भी समूहवाचक लगे हैं। अच्छा मेला लिखा गया, बहुत ही अच्छा, मेला, मेला दिलों का आता है, मेले, मेला जो है ये जब कहते हैं ना कि कोई अगर किसी स्थान पर अपना हो, अगर किसी स्थान पर कोई अपना हो, यह महसूसीकरण की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, तो वहां पर आपका लगाव बढ़ जाता है अगर अपना है तो, अगर अपना नहीं है तो मेला नहीं, यह महामेला का आयोजन किया जाए तभी भी आप उसमें नैराश्य अवस्था में जाकर के भी, यानी आप हंसी खुशी जाकर के भी उस मेले में, महामेले में नैराश्य अवस्था में भी रहते हैं। मेला हमेशा, जिसलिए कहते हैं मेला दिलों का आता है, मेला जो होते हैं वो दिल से होते हैं, मेला किया जाता है दिल से करते हैं, और जब मेले में अपने होते हैं तो उस मेले से फिर रौनक बढ़ जाती है। किसी किसी के देखिए आपको बहुत, आपके बगल में ही मेला लगता हो तो कोई मतलब नहीं, हाँ ठीक है जाने दो, चला, नैराश्य भाव में है। और कहीं कभी आपसे 200 किलोमीटर की दूरी हो, 300 किलोमीटर की दूरी हो और मेला लगता हो, लेकिन कोई अपना हो, कोई जानने वाला हो, कोई जानने वाली हो, यानी कोई भी एक XY जेड हो जिससे आपका दिल से रिश्ता है, आप वह मेले में पहुंच जाते हैं और वह मेला क्या होता है, अपना लगने लगता है। क्यों, एक के हम हर एक वस्तुओं से जब वो अपना बना लेते हैं तो आप जब अपना, ये तो या तो अपना बनाइए, मत अपना नहीं बनाते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं, एक है ना, तुझे अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, तो ये या तो बनाइए मत, अगर अपना बना लेते हैं और हो जाता है स्वतः, तो स्वतः जब हो जाता है तो निश्चित तौर पर अच्छा लगने लगता है, यानी हर एक चीजें अच्छी लगने लगती है। तो मेला क्या होते हैं, तो मेला एक लोगों का नहीं होगा, मेले में तमाम लोग आएंगे और लेकिन हम अपने में मस्त रहेंगे, तो यहां पर मस्ती होती है। तो मेला भी क्या होते हैं, यह भी प्यारे क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दल लिखते हैं, मान लीजिए दल, दल भी क्या होते हैं, दल क्या होते हैं, झुंड लिखी दिए। अच्छा ये बताइए श्रृंखला होती है कि नहीं, श्रृंखला, श्रृंखला समूहवाचक संख्या में आएंगे कि नहीं, श्रृंखला आएंगे कि नहीं, श्रृंखला भी आएंगे। अच्छा दर्जन, ये बताइए आएगा कि नहीं, दर्जन, दर्जन, दर्जन आएगा कि नहीं, दर्जन भी क्या होते हैं, जैसे केले का एक दर्जन होता है ना, तो दर्जन, ये थोड़ी ना एक केला हो गया, दर्जन एक केला हो गया उसी को हम दर्जन कह दिए, तो दर्जन भी क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। तमाम ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जो समूह का एक, यानी शब्द जो रहेगा वह एक रहेगा, लेकिन इसका अर्थ जब, जैसे सेना, तो सेना ये थोड़ी कहते हैं कि एक लोगों की सेना हो गई भाई, तो सेना क्या कहेंगे, पहला ही मैंने लिखा था, सेना क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, यानी एक लोगों की सेना नहीं होती है, तो सेना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, परिवार समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, दरबार समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, परिषद समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी तमाम ऐसे शब्द हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी शब्द एक हो लेकिन अर्थ जब एक से अधिक हो तो वहां पर क्या हो जाते हैं प्यारे, वहां पर समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे अब देखते हैं, यानी यहां पर देखा जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब हमको ये बताइए कि जो समूहवाचक संज्ञा है, ये तो क्लियर हो गया, अब संभवतः ये मैं कह सकता हूं, यहां पर आइए, कि ये समूहवाचक संज्ञा भी आपका क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी मैंने इन पांचों संज्ञाओं के बारे में आपको डिटेल से बताया।
अब हमारा एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लिख रहे हैं और आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हम समय भी दे देंगे लेकिन आपको बताना है, मन में बताना होगा, यानी आप जैसे भी आप उत्तर लिखिएगा, लेकिन जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप लोग जब देखिएगा वीडियो, तो यानी उत्तर देखिएगा और इसको आप लिखिएगा, उत्तर दीजिएगा, देखिएगा हम सही करते हैं या गलत करते हैं। प्रश्न आएगा तुरंत आपको उत्तर देना है, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो हम उत्तर बता देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं आएगा। अगर मान लीजिए लिखते हैं कौन सी संज्ञा जातिवाचक नहीं है, मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं, प्रश्न लिखता हूं, मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, प्रश्न लिखा, एक नंबर का प्रश्न मैंने लिखा, चलिए प्रश्न लिखा, ये बताइए कौन सी, 11 नंबर हो गया क्या जी, चलिए इसको डिलीट थोड़ा कर दीजिए तो सही चलेगा, कौन सी संज्ञा, कौन सी संज्ञा जातिवाचक नहीं है, ठीक, एक रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपका, विकल्प दे दें, ऑप्शन मैं देता हूं, बताएं, ऑप्शन ए, मान लीजिए मैंने लिखा गाय लिखा, चलो भैया बी ऑप्शन पा जाइए, चलिए फल लिखा, सी ऑप्शन पा जाइए नदी लिखा, डी ऑप्शन पा जाइए शिक्षक लिखा। इसमें आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा जातिवाचक नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर लगाना है आपको, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, यानी क्वेश्चन नंबर दो, इसमें आप बताइए, मैं क्वेश्चन भी दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, ठीक है, कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, ऑप्शन में आ जाइए। चलो भैया आपको भरपूर समय मिल रहा है आंसर देने के लिए, कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, चलिए ए, मान लीजिए मैंने लिखा मेला, बी मैंने लिखा ऋग्वेद, सी मैंने लिखा अमीरी, और डी मैंने लिखा दौड़ना, ठीक, ध्यान में रखिएगा। आपको यह बताना है कि इसमें पहले का उत्तर क्या होगा, दूसरे का उत्तर क्या होगा, इसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं, तब आप इसको हम समझाते हैं कि इसका क्या होगा, पहले का और दूसरे का उत्तर बताना है। चलिए हम लगाते हैं आंसर, लगाते हैं, अभी मत कहिएगा कि सर प्रश्न ही गलत है, ऐसा मत कहिएगा, प्रश्न है और कभी अगर पूछे जाएंगे तो आप उत्तर क्या लगाएंगे, यह आईक्यू कहता है, इसे ही कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं, आईक्यू कहते हैं, यानी कि आपको जो बुद्धि लब्धता है वह क्या है, यही कहता है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन यहां जाए तो आप निकलते ही तुरंत गलत पूछ दिया, गलत पूछ दिया, सर आपने बताया नहीं, बताए हैं सर ने बताया, कभी आपने ध्यान से सुना नहीं है जो, तो आप इसको आप समझिए कि प्रश्न के नेचर को समझिए, उत्तर सुन लीजिए, कौन सी संज्ञा जातिवाचक नहीं है, हमारा उत्तर क्या होगा,
हमारा उत्तर होगा फल, पहले का उत्तर होगा। चलिए दूसरा, कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? थोड़ा सा यहां मैंने ऑप्शन आपको फंसा दिया होता, थोड़ा सा अगर एक ऑप्शन में चेंज किया होता, लेकिन फिर भी चलिए यहां बताइए कौन सी संज्ञा जातिवाचक है। आपका उत्तर हो जाएगा मेला। ठीक है, अब कैसे हो गया? अभी हमने जस्ट पढ़ाया है, कहा मेला समूहवाचक है, तुरंत पढ़ाया, अभी जस्ट पढ़ाया कि आपको, अच्छा चलिए कि इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि आपको फल जातिवाचक कौन कौन से हैं, मैंने पढ़ाया था। एक क्वेश्चन और लिखना चाहिए था जो यहां पर, चलिए इन दो क्वेश्चन का पहले मैं उत्तर दे दूं, फिर आगे मैं आपसे पूछूंगा अगर समय होगा। ध्यान में आ रहा है, यहां पर ये देखिए कौन सी संज्ञा जातिवाचक नहीं है। पहले जब भी नहीं आता है तो इसको गोले में आप घेर दीजिए, नहीं है। हमको ये बताइए, मैंने गाय को क्या बताया था कि गाय क्या है? गाय जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। गाय क्या है? व्यक्तिवाचक है। इसके पहले मैं जब अगर वीडियो में, जिसको अगर जो लोग ना देखे हो पिछला वीडियो उठा करके देख लेंगे, यानी पूरे संज्ञा प्रकरण का उठा कर देंगे, हम कहीं कहीं आपको बताए हैं। किसी बच्चे ने गाय के संदर्भ में पूछा था तो मैं बताया हूं कि गाय को जातिवाचक, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन ऑप्शन, यानी गाय जातिवाचक भी है, गाय व्यक्तिवाचक है। चलिए अब ये पूछ रहा है जातिवाचक नहीं है तो गाय हम जातिवाचक में रख दिए हैं, है। नदी क्या है? ये जातिवाचक है। ऑलरेडी मैं बताया हूं कि नदी क्या होती है? जातिवाचक है। अब इसमें नदियों का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक होगा, नहीं तो जातिवाचक है। गंगा का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक होंगे, सोन का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक होंगे, माही का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक होगी, अन्यथा जातिवाचक। शिक्षक मैंने पदवाद जो बताया था कि अगर जहां पर पद से रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं, ये भी मैंने बताया था। ये तो क्लियर है कि ये जातिवाचक हैं, तो फिर फल भी तो होने चाहिए, फल भी जातिवाचक है। लेकिन फल भी जातिवाचक है, अब आपके फल क्या है? जातिवाचक है, ये भी होता है और पूछा हूं नहीं, लेकिन फल जो है ये आप समझिए कि क्या है। फल जो भी आप लेते हैं, ठीक है, फल जो भी लें, चाहे वो सेब लें, चाहे संतरा लें, चाहे केला लें और चाहे अंगूर लें, चाहे जो भी लीजिए, बेर लीजिए, कुछ भी आप फल लीजिए, वो कैसे मिलता है आप बताइए? कैसे मिलता है? माप तौल कर मिलता है। फल का जो मापक है, फल का जो पैमाना है, वो क्या है? माप तौल होता है, यानी हम उसको नापते हैं या तौलते हैं, यानी ये हमारा क्या है? तो नापते तो है नहीं, तौलते हैं। तो फल क्या है? तौलना। आप ध्यान में समझिएगा, तो फल हमारा क्या हो जाएगा? जहां पर माप तौल की वस्तुएं होती हैं वो क्या हो जाते हैं प्यारे? वह द्रव्यवाचक हो जाते हैं। क्या होता है? द्रव्यवाचक हो जाते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि तब तो सर ये जो है फल जो है द्रव्यवाचक हो गया, होगा है? जी हां, एकदम हो जाएगा। फल क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। चलिए अब आप मुझे आइए ये बताइए, अगले क्वेश्चन पाइए तो और जाकर के क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? इसमें हमको बताइए कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? जातिवाचक है। अब मैंने आपको ऋग्वेद क्या है भाई? ऋग्वेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप लोग समझे भी हैं। अमीरी क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गया, ये भी जानते हैं। दौड़ना क्या है? ये क्रिया है, एक क्रिया है, खत्म इनकी कहानी। बचा क्या? मेला। और मेला किस में आ गया? मेला किस में आ गया? मेला जो आ गया यहां पर क्या हो जाएगा? मेला समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा।
और पूछा है कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, ये समूहवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, वो क्रिया हो गई, और मैंने कहा कि बेटा महिला, इसका आंसर सही है। मैं तो ये कह रहा हूं कैसे सही है, जब भी ऐसे ऑप्शन आपको आए, कभी ऐसा ऑप्शन दे तो आपको बढ़त बनानी है। कैसे बढ़त बनानी है, आप ये जानिए, अगर आपको ध्यान हो, क्या ध्यान हो, मैंने कहा था कि जब हिंदी या रचना के आधार बताया था तो वहां बताया था जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, इन जातिवाचक संज्ञाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। किसमें? द्रव्यवाचक में विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है प्यारे? द्रव्यवाचक में विभाजित किया गया है और समूहवाचक में विभाजित किया गया है। समूहवाचक में विभाजित किया गया है। अब मैं आपसे ये पूछूं बेटा, अगर द्रव्यवाचक और समूहवाचक आंसर में नहीं है तो इसके जितने भी उदाहरण हैं वो सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर ऑप्शन नहीं है तो, अगर ऑप्शन है तो आप नहीं आएगा। अगर यहां कौन सी संज्ञा, अगर ये पूछा जाता कि कौन सी संज्ञा समूहवाचक की है तो मेला हो जाता, ऐसा हो जाता। पूछा है कौन सी संज्ञा जातिवाचक का है, अब यहां पर या ऐसा पूछ दिया होता मेला कौन सी संज्ञा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये पूछा, अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन ही हम बता दें, अगला क्वेश्चन यहीं पर हम बना दें, तो आपको चीजें जैसे फल को लेकर के मैंने बताया, चलिए फल को ही मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, मान लीजिए मैंने ये लिखा फल, फल कौन सी संज्ञा है, फल कौन सी संज्ञा है, संज्ञा है, ठीक है, और पूछा गया क्या फल, ऑप्शन हमने क्या बनाया, ऑप्शन ए बनाया व्यक्तिवाचक, ठीक है व्यक्तिवाचक, चलिए ऑप्शन बी बनाया जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हम बनाए, ऑप्शन सी हमने बनाया व्यक्ति हो गया, जाति हो गया, फल है ना, द्रव्यवाचक बनाया, नहीं द्रव्य नहीं, समूह बनाया, समूहवाचक बनाया, समूहवाचक बनाया, और डी ऑप्शन हमने बनाया भाववाचक बनाया, भाववाचक बनाया। अब मैं आपसे ये पूछा कि फल कौन सी संज्ञा है, यहां आपने ये देखा प्यारे कि यहां पर फल जो है आप ये देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, खत्म। आपने देखा कि यह समूहवाचक संज्ञा भी नहीं है, फल तो समूह का दो तक है नहीं, यह भी नहीं है, फल भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, तो अब बचा क्या, जातिवाचक संज्ञा बचा, जातिवाचक को लगाइए, क्यों लगाइए, इसलिए लगाइए कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही क्या आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक भी आते हैं और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक भी आते हैं, और फल क्या हो गया हमारा, द्रव्यवाचक हो गया, मापतौल की वस्तु हुई, इसलिए फल को हम क्या प्रेफर करेंगे, यहां जातिवाचक संज्ञा करेंगे। अगर यहां पर भाववाचक संज्ञा की जगह यहां द्रव्यवाचक संज्ञा दे दिया रहता तो ऑप्शन क्या हो जाता, तब द्रव्यवाचक संज्ञा होता, तब जातिवाचक नहीं होता। तो डिपेंड ऑन ऑप्शन, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हमारा उत्तर क्या होगा। ऐसे नहीं होता है कि जैसे मर्जी वैसे हो जाएगा, हम जिस ऑप्शन को प्रिफर समझते हैं, यानी बढ़िया समझते हैं, उचित समझते हैं, वैसे हम ऑप्शन देते हैं। प्रश्न गलत नहीं हो जाएगा, प्रश्न का नेचर आप समझिए कि यह क्या हो जाएगा। तो हो सकता है कि किसी लेवल पर, नेट जेआरएफ लेवल पर या हायर पर लेवल पर, आपसे लेवल पर आपसे पूछा जाए कि यह कौन सी संज्ञा है, इस रूप में कोई भी क्वेश्चन आपसे घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप ये बताइए कि आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको क्या समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये रहा संज्ञा का चैप्टर क्लोज, यानी संज्ञा क्या हुआ, समापन। अब इसके बाद जो है हम लोग टेस्ट करेंगे और पुनः हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक। तो यानी संज्ञा के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो सर्वनाम है।
तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कल इसके बाद यानी अगला जो टॉपिक पर मिलते हैं वो किस पर मिलेंगे, संज्ञा पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत दिल से बधाई और हार्दिक प्यार। जय।